What's up guys? Welcome back to धर्मेंद्र धाकड़ रिपोर्टर पहुंच चुके हैं कहाँ जिम के अंदर। भाई साहब तो नहीं जा पाई, बॉडी बनाएंगे या बकवास होगी वहां पर देखते हैं। वीडियो में मजा जरूर आएगा लेकिन ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, स्क्रिप्टेड है गाइस। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाखड़ न्यूज़ के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क एकदम धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अभी हम लोग आए हैं, टाइटल तो पढ़ ही लियोगे आप लोग कि जिम में आए हैं। जिम एक ऐसा जगह होता है जी जहाँ की जो हमारा नौजवान है वो मेहनत करके अपने शरीर का एकदम आकार बदल देता है, नस नस फाड़ देता है, ऐसी जगह होती है जिम। तो हम आपको रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि क्या किस तरह से होता है। तो आइए चलिए, ये देखिए, आइए हमारे साथ। बहुत पतला दरवाज़ा बनाया है जी, कैसे खुलेगा यार? अरे ये लेटरिंग है, हर चीज़ है, ये दरवाज़ा है यहाँ पे। आइए हमारे साथ, आइए, ये देखिए यही यहाँ पे जिम है जो वर्कआउट लोग कर रहे हैं। तो हेलो, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जिम है तो मतलब यहाँ आने के लिए बॉडी बना हुआ चाहिए या फिर मतलब कोई भी कर सकता है? नहीं नहीं सर, कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं ना। एकदम मन तो बहुत करता है यार जिम करने का, लेकिन पता है ये नियतियाँ नहीं होता है, नियतें नहीं करता है करने का। और अभी हार्ट अटैक भी आ रहा है जो जिम कर रहा है। तो सब गड़मारी सब आप लोग कीजिए, हम खाली यहाँ पे रिपोर्ट वपोर्ट बनाने आए, दिखाने आए ताकि किस तरह से जिम में काम होता है। तो जैसे बताइए कि जैसे जिम है तो कितना कैपेसिटी है यहाँ पे? अभी तो सर यहाँ पे 50 लोगों की कैपेसिटी है, 50 लोगों की। तो एडमिशन कितना लिया है? एडमिशन सर लास्ट मंथ बहुत ज्यादा हो गए थे, करीब 3000 कुछ, जनवरी में ना। अच्छा अच्छा, वो जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है आदमी, उनकी वेट उट कम कर लेंगे, वो वही ना। तो अच्छा, ये सब रेजोल्यूशन लेने के बाद, एडमिशन लेने के बाद आता है रेगुलर? हाँ सर आ जाता है, हफ्ते भर तक आता है, फिर अपना हमारा इधर उधर गायब है ना। ये सब बहुत बढ़िया है। तो यही सब पता है, यही सब हम रेजोल्यूशन साला लेबे नहीं करते हैं, पता है नहीं होगा तो काला लेना। आइए हमारे साथ आगे, इनको दिखाइए, कोचिंग कर रहा है जी, कोचिंग। बड़ा ही विचित्र वर्कआउट है। हेलो भाई साहब, आप किस चीज का वर्कआउट कर रहे हैं? चेस्ट कर रहे हैं। चेस्ट कहाँ से? चेस्ट तो नहीं लग रहा है, कुछ और बन रहा है जी। अरे ट्रेनर नहीं है जी, कौन है? आप ट्रेनर है यहाँ के? ट्रेनर है। आपको तो खुद यार ट्रेनिंग का जरूरी लग रहा है, ऐसा बॉडी लेकर ट्रेनर आता है? कोई और है यहाँ पे बढ़िया? महेंद्र भैया, बोला उनको। ये देखिए महेंद्र भैया के लड़का इधर पूछो कर रहा है, उधर देखिए लड़की के ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही है, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। अघोर कलयुग है मेरे भाई, मैंने लड़का पूछो बना ले, कोई ध्यान नहीं है। थोड़ा सा इधर इधर भी ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? ये कौन सा एक्सरसाइज है? हाँ, ये दबा के मारो एकदम छाती पे, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी तरह से एक्सरसाइज करो। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र मोगा है। महेंद्र मोगा जी, तो आप ट्रेनर हैं यहाँ पे? हाँ, मैंने 4 साल ट्रेनिंग भी सिखाई है और मतलब कोर्स भी किया न्यूट्रिशन का। अच्छा, न्यूट्रिशन का कोर्स किया, मतलब तो किसी का भी बॉडी वॉडी बनवा दीजिएगा? हाँ, किसी की भी। तो मैंने बताया कि जैसे हम बॉडी बनाना चाह रहे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? 7 से 8 महीने लग जाएंगे। 7 से 8 महीना? डाइट लेनी पड़ेगी, 7 से 8 महीने लग जाएंगे। रसगुल्ला ये सब नहीं खा सकते हैं, प्रॉपर डाइट ना रखना पड़ेगा। तो कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें 2-4 दिन या 1 हफ्ता में बन जाए? मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा, फिर तो ना होगा हमसे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए आप ट्रेन कीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट से देखिए बॉडी बनाई जा सकती है। हम लोग अभी आगे भी चलेंगे और आगे लोगों से बात करेंगे। लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है। ये देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बड़े मुरझाल सा लग रहा है जी, क्या हुआ जी? एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? कोशिश तो कर रहे हैं, पार्टनर नहीं आया, हमारा सपोर्ट की जरूरत रहती है हमें। पार्टनर मतलब सब काम पार्टनर के साथ करोगे? कोचिंग सब सपोर्ट का जरूरी है, नया आया ना तो सपोर्ट चाहिए होता है थोड़ा। कोचिंग कह रहा है जी, सपोर्ट और पार्टनर ये सब कोचिंग होता है। ज्यादा वेट उठता है उसकी। क्या होता है? ज्यादा वेट उठा लेते हैं आप उसे। किसकी वजह से? सपोर्टर की वजह से, मतलब सपोर्टर जो पार्टनर है वो रहता है, मतलब कोई भी ज्यादा वेट उठा लेगा। हम भी कर सकते हैं क्या? जी ट्राई कीजिए। तो एक देखिए जैसे इन्होंने बताया है कि जो जैसे वेट है उसमें कोई सपोर्ट दे देगा तो आप ज्यादा वेट उठा सकते हैं, आपके मसल पे ज्यादा भार पड़ेगा ना जी, एकदम बम से करके ग्रो हो जाएगा मसल। तो हम लोग आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से वर्कआउट होता है जी। कभी किसी ने माइक धरो जी, बरमुंडा हटो हटो भागो, तुमसे नहीं होगा। बरमुंडा नहीं, बरमुंडा करिए ना जी। ऐसे ऐसे बैठना है, इसको कैसे उठाना है? सीधा ऐसे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे उठाना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेट कर रहा है पीछे से। ऐसे जितना गाड़ में था मैं उतना उठाऊ, कोचिंग सब सपोर्ट पार्टनर लगा के रखा है। कभी जिम गए हो? पता है जिम में क्या होता है? What the hell is wrong with you? He supports me. I've been going to gym for the past few years now, and I need no support. So why you shouting at him? You want me to show you my personal? Oh why? Are you stupid or something? अरे रुको मैंने का डोले बना रखे हैं। आप ऊपर देख लीजिए ऊपर। तुम साला इतना बॉडी कैसे बना लिया जी? I've been doing this, you know, it's a matter of determination and mindset to all the young men. तू शाम को रोज जिम जाता था? हमको लगता था यार तुम महुआ के दारू पिए जाता है रोज शाम को। बहुत बढ़िया बना भाई जी, एकदम मजा आ गया देख के। वेरी नाइस माय निगा, वेरी नाइस, एकदम बहुत बढ़िया। गाने फाड़ देंगे जी, साला जिम नहीं जाता है। देखो हमारे कैमरामैन का बॉडी बढ़िया है तुमसे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जाओ, अभी हम लोग चलेंगे ऊपर। ऊपर भी है ना? ठीक है, ठीक है, हम लोग ऊपर अभी चल के देखेंगे। ये देखो कहे थे कि लड़कन का ट्रेन कर, साला महेंद्र मोगा नहीं महेंद्र मोगा है। देखो खाली यही काम है, खाली लड़की के साथ ट्रेनिंग करने का। लड़कन कुछ करे, यही सब करता रहता है जी। तो चलिए अभी थोड़ा सा चल के हम लोग ऊपर देखेंगे। आओ जी पर मुंडा, ऊपर हम लोग चल के देखेंगे। ऊपर है ना? तो ऊपर हम लोग चल के देखेंगे ऊपर भी वर्कआउट होता है, किस तरह से लोग कर रहा है। इधर आओ पर मुंडा, आओ मेरे साथ, यहाँ पे चलते हैं। बड़ा अंधेरा किया है साला, कौची है जी। आइए, ये देखिए ऊपर भी यहाँ पे बनाया गया है जो कि लोग वर्कआउट यहाँ पे करता है। ओहो, ये देखिए वर्कआउट कर रहा है यहाँ पे। आइए, हाँ इसी की देखिए यहाँ पे डंबल उठा रहा है। ये भारी उरी है जी लग, देखें ये देखिए जैसे डंबल है तो इसको जो वर्कआउट के लिए आदमी यूज करता है अपने, वो उसके लिए बाइसेप के लिए। ज़्यादा भारी नहीं, थोड़ा सा वो भारी लेके उसको करो। अरे कुछ हो गया जी, देखो इसको, देखो इधर देखो, देखो कुछ चोट लग गया जी। अरे पैर पे गिरा दिया भैया। अरे देख के ना खड़ा होना चाहिए। ले जाओ उसको, थोड़ा सा बोरो प्लस लगाओ, ठीक हो जाएगा। बोरो प्लस का भी बहुत यूज है जी। है यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, देखिए इनको भाई हैवी ड्राइवर। वो रील बन रही है ये कच्चा बादाम। बाप रे बाप, यही वर्कआउट हो रहा है जी। रील बना रहे हैं आप? हाँ जी, रील बन रही है। ये मैडम आप रील बना रही हैं, तो ये कहाँ डालिएगा रील को? इंस्टाग्राम पे डालिएगा। कितना फॉलोअर है? 1.2 मिलियन है। इतना तो साला मेरा नहीं है, मैं कोची देख के आता है जी। ओह समझ गए, बढ़िया है, करते रहो सर। वर्कआउट तो करना नहीं है तुम साला, यही सब महुआ उगा वाला काम ही नहीं करता है। अब इधर भी है जी, आइए देखते हैं। इधर भी है कुछ क्रॉसफिट, खाली पड़ा नहीं है कुछ नहीं है। अरे इधर देखो दो लोग है, कुछ ले रहा है इधर, कोच कर रहा है जी। वैक्सीन ले रहा था कहाँ? ये सब हॉस्पिटल में ना लेना चाहिए। दिखाओ दिखाओ, कोची है कोविशील्ड कोवैक्सीन कोची है। इधर वैक्सीन ले रहा है, देखिए सब हॉस्पिटल में ना लेना चाहिए। स्टेरोइड्स, इनको नया वैक्सीन आया ना, इधर बढ़िया से लेवल करो नर्स उर्स के हाथ है। चलो ठीक है, ले लो, कोरोना से बचल रहेगा। देखिए इस तरह की जो चीजें हैं यहाँ पे जिम में। क्या हुआ? कुछ ले रहा है? कुछ ले रहा है, ये सब कुछ ले रहा है जी। देखो कुछ है, देखो बना से साला जिम में बॉडी करके बनाना चाहिए जिम। साला मेहनत ना करना चाहिए। Steroid is not good for body. Not good for health. Okay, what is used for muscular, for muscle large. Okay, so muscle use. Muscle large. This is for muscle. Yeah, steroid. Yeah, but it has an effect. It's not good. Okay, but it help in muscle. Muscle bigger. Okay, बड़ा। ओ भाई साहब। हाँ? अब देखो बच्चों कैसा बॉडी बनाते हैं। This is not good. You don't have to do it. अरे बॉडी बनेगा ना? It has an effect. Not अच्छा। अरे गणवारी फिट का बॉडी बनाते हैं, तुमको दिखाते हैं। क्या बॉडी बनाते हैं? अब पेटवा कम हो जाएगा। पेटवा कम हो जाएगा। Guys, to be frank, अब सबसे पहले तो एक मैसेज है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो थी। स्टेरॉइड से बिल्कुल दूर रहें। मैं खुद भी जिम ट्रेनर रह चुका हूँ, तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना। लॉन्ग टर्म में आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी शरीर की। नो डाउट, बहुत सारे ट्रेनर्स वगैरह बोलते भी हैं कि ठीक है सप्लीमेंट, जिस चीज के ऊपर सप्लीमेंट लिखा है वही लेना। डाइटरी सप्लीमेंट है, सिर्फ सप्लीमेंट लिखा हो वही चीज आपको लेनी चाहिए। स्टेरॉइड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और वीडियो बहुत ही मजेदार थी, जैसे वो लड़के का चेस्ट का वर्कआउट हुआ या पैर पे डंबल गिरना। मुझे हंसी आई, तुम ट्रेनर हो, तुम्हें तो खुद ट्रेनर के वो हैवी ड्राइवर था, वो लड़की साथ की चल रही है वहाँ पर। उसके साथ साथ वो जो ये नहीं था, अच्छा तभी 1.2 मिलियन फॉलोअर्स। और उसे बोल रहा कि हाँ तो देख के खड़े होना चाहिए था ना उसके पैर में डबल गिरा दिया। बरमुंडा की बॉडी देख के स्वाद आ गया। हाँ बरमुंडा ने उसका बढ़िया था, मुझे सपोर्ट दिया ना उसने पर ऐसे करके। लेकिन एक मस्त मोमेंट मेरे को वो भी लगता है, स्टार्टिंग में वो था ना और भाई जो हरकतें करता है, टॉयलेट में घुस गया शुरू में, कह रहा था लेटरिन में आ गए। आई एम श्योर देख के मजा आया होगा। और मुझे उसने क्या बोला था, कैपेसिटी नहीं कैपेसिटी को कुछ बोला था ना, कैपेसिटी नहीं कुछ और, कैसे कैपेसिटी नहीं कैपेसिटी ऐसे कुछ बोला था। वो भी था बढ़िया जो रिसेप्शन पे था। आई एम श्योर वीडियो देख के मजा आया, तो कर दे लाइक, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।